हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लास। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर टू कॉमर्स की 1000 PYQ सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, इस सीरीज में मैं आपके साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ वो फ्रॉम द ईयर 2020 टिल द ईयर 2023 के हैं, यानी सारे लेटेस्ट 1000 के 1000 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इस सीरीज में। ठीक है, एंड ये सीरीज का पार्ट नंबर 25। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और एक्चुअल में हमारा 121 क्वेश्चन। ठीक है, 120 क्वेश्चन कहाँ पे गए? पार्ट नंबर 124 में है। ठीक है, अगर आपने मिस किया है तो 1000 क्वेश्चन की पीवाईक्यू सीरीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाइए वहां से जाके उस प्लेलिस्ट से फर्स्ट 124 क्वेश्चन को कवर कीजिए। ठीक है, इस सीरीज में मैं आपके साथ डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, इसलिए ट्रस्ट मी आपको सारे के सारे टॉपिक्स बहुत इजीली समझने में आ जाएंगे और प्लस आपको एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है पेपर में जाके उसकी भी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। गुडनेस ऑफ फिट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज टेस्टेड बाय, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी गुडनेस ऑफ फिट को टेस्ट करना है तो इसमें से कौन सी टेस्ट लगती है? तो इसमें से लगती है आपकी काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट क्या होती है? बेसिकली ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। नॉन पैरामेट्रिक यानी जिसको हम लोग इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, सो काई स्क्वायर टेस्ट क्या होती है? काई स्क्वायर टेस्ट एक प्राइम एग्जांपल है किसका? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का, जिसमें आप क्या कर सकते हो? डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वली डिवाइड, डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, डिटेल में समझते हैं काई स्क्वायर टेस्ट को। इसके अलावा टी टेस्ट क्या है, एफ टेस्ट क्या है, काई स्क्वायर क्या है, जेड टेस्ट क्या है, ये सब टेस्ट में आपके साथ आने वाली सीरीज में एक सीरीज लेके आने वाली हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या रिपीटेडली आस्क्ड टॉपिक्स की सीरीज लेके आने वाली हूँ। ठीक है, उसमें मैं आपके साथ ये डिटेल में डिस्कस करूंगी, सो डोंट यू वरी, वहां पे ये टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए काई स्क्वायर टेस्ट इस लेक्चर में समझ लेते हैं। ठीक है, द काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट इज अ हाइपोथेसिस टेस्ट। ये बेसिकली काई स्क्वायर टेस्ट आपकी क्या टेस्ट चेक करता है कि आपका हाइपोथेसिस फिट है भी कि नहीं। इट अलाउज यू टू ड्रॉ कंक्लूजंस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन अ सैंपल। आपके सैंपल के बेसिस पे आपकी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है कि नहीं, उसका क्या कंक्लूजन निकलेगा, वो सब आपको ये टेस्ट बताता है। ठीक है, यूजिंग द काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट यू कैन टेस्ट वेदर द गुडनेस ऑफ फिट इज गुड इनफ टू कंक्लूड दैट द पॉपुलेशन फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूशन। हमें क्या पता करना है कि सच में हमारी पॉपुलेशन हमारे कंक्लूजन को फॉलो करती है कि नहीं, वो सही भी है कि नहीं, वो कितना राइट है भी कि नहीं, वो हमें किससे पता चलता है? गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट से, यानी काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, सो ये कुछ है, बट डिटेल में मैं अगेन बोल रही हूँ, पीवाईक्यू सीरीज में तो मैं आपको ये चीज करा ही रही हूँ, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाली सीरीज में भी मैं इसको जरूर से कवर करूंगी डिटेल में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 122 क्वेश्चन, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर रवि कॉर्पोरेशन। EPS, EPS का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। ROI, ROI का फुल फॉर्म क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बोलता है EPS 4 रुपए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 18% है, रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर्स कितना उनको चाहिए, शेयर होल्डर्स को कितना चाहिए? 15%। व्हाट विल बी द प्राइस पर शेयर? हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्राइस पर शेयर एज पर वॉल्टर्स मॉडल। इफ द पे आउट रेशियो इज 40%, पे आउट रेशियो कितना है? 40%। हमें क्या दिया हुआ है? हमें वॉल्टर मॉडल के हिसाब से पूछा है कि प्राइस पर शेयर निकालो। अब वॉल्टर मॉडल क्या है ये डिटेल में मैंने आपको बिजनेस फाइनेंस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां पे मैंने बिजनेस फाइनेंस में मैंने आपको डिविडेंड की थियरीज वाला एक लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? डिविडेंड की थियरीज।
वो लेक्चर में मैंने डिटेल में आपको फॉर्मूला और पूरा मॉडल सब कुछ सब डिटेल में सारी डिविडेंड की थियरीज कवर की थी। उसमें से एक थियरी थी वॉल्टर की, तो वहां से जाके आप देख लीजिए। यहाँ पे मैं इस लेक्चर में क्या करूंगी, आपको फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करना सिखाऊंगी। बट अगर आपको डिविडेंड की थियरीज नहीं पता है या वॉल्टर मॉडल क्या होता है ये नहीं पता है, तो आप वो लेक्चर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है बिजनेस फाइनेंस का, आपका वहां से काम हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। स्टार्ट करें हम इस सम को। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। कैसे आया ए, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पहले तो फॉर्मूला क्या है हमारी, सबसे पहले पहले आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए, है ना। फॉर्मूला पता होगी तभी तो आप क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे उस चीज को। ठीक है ना, तो फॉर्मूला क्या है, पी इज इक्वल्स टू डी डिवाइड बाय के ई प्लस आर ई माइनस डी डिवाइड बाय के ई। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको उस लेक्चर में भी कराई थी, अगर आपको याद हो, अगर आपने बिजनेस फाइनेंस देखा है मेरा तो आपको पता होगा कि मैंने ये सब चीजें वहां पे कराई थी, है ना। फिर डिवाइड बाय के ई अगेन, अब ये जो डिवाइड है के ई का, ये पूरे को। ठीक है, अब पी क्या है, पी है बेसिकली आपका मार्केट प्राइस पर शेयर। पी क्या है आपका, पी है आपका मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है, डी क्या है आपका, डिविडेंड पर शेयर। डी क्या है आपका, डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, आर क्या है आपका, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आर क्या होता है हमारा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। फिर ई क्या है हमारा, अर्निंग्स पर शेयर। ई क्या है हमारा, अर्निंग्स पर शेयर। ठीक है, और के ई क्या है हमारा, के ई है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। के ई क्या है हमारा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ये फॉर्मूला और ये सब ना मैंने आपको डिटेल में समझाया था डिविडेंड थियरीज वाले लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो, नहीं तो आप जाके उसको देख लीजिए। ठीक है, अब ये मैंने आपके लिए लिख दिया है ताकि आपको समझे कि कौन सी चीज क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले पहले पी तो क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर। हमसे क्या पूछे, हमसे वही तो पूछे, प्राइस पर शेयर, है ना। यानी पी तो हमसे पूछा है, तो पी तो हमें फाइंड आउट करना है, पी तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, डी क्या है, डी इज योर डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर देखते हैं क्वेश्चन में गिवन है क्या, देखो ईपीएस गिवन है, आरओआई गिवन है, रेट ऑफ रिटर्न गिवन है ना, रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 15% और पे आउट रेशियो भी गिवन है, लेकिन डिविडेंड पर शेयर नहीं गिवन है ना, यानी डी गिवन नहीं है। तो डी पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, डी गिवन नहीं है तो, है ना। तो डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, डी इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू, कैसे मिलेगा डिविडेंड पर शेयर, हमें अर्निंग पर शेयर दिया हुआ था, कितना था अर्निंग पर शेयर, 4 रुपीस, है ना। तो 4 रुपीस इंटू, और हमारा पे आउट रेशियो कितना है, पे आउट रेशियो कितना दिया हुआ है, 40%, है ना। तो 4 × 0.40, तो 4 × 0.40 करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.6। तो डी हमारा क्या है, डिविडेंड कितना है पर शेयर का, 1.6। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। डिविडेंड कैसे आया, डिविडेंड निकालने के लिए हमने क्या किया, डिविडेंड पर शेयर हमें गिवन नहीं था, तो हमने सिंपली क्या किया, हमने सबसे पहले पहले तो क्या लिया, 4 लिया। 4 क्या था मेरा, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, इनटू हमारा 40% क्या था, पे आउट रेशियो। 40% क्या था, पे आउट रेशियो। तो 4% का, 4 रुपीज का 40%, 4 रुपीज का 40% कितना होता है, 1.6। ठीक है, तो डी मिल गया मेरे को 1.6 डिवाइड बाय क्या है, केई। केई क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। कितना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, क्वेश्चन में गिवन है ना, 15% है ना, शेयर होल्डर्स यानी इक्विटी कैपिटल होल्डर्स ही होते हैं ना, है ना।
तो 15% है, 15% है तो मैं 0.15 लिख सकती हूँ 15% की जगह पे, है ना। प्लस आर क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आर क्या है हमारा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। कितना की मैंने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा 18%, है ना। 18% को मैं 0.18 लिख सकती हूँ, है ना। ई कितना है मेरा, ई है मेरा अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कितना है हमारा 4, है ना, गिवन है ना क्वेश्चन। अर्निंग पर शेयर कितना है हमारा 4, है ना। माइनस डी डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर तो हम अभी अभी निकाल चुके हैं। 4 माइनस डी, डी कितना है 1.6 डिवाइड बाय के ई, के ई कितना है अगेन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कितना था हमारा 0, 15% है ना। 15% को मैं 0.15 लिख सकती हूँ डिवाइड बाय के ई, के ई क्या अगेन 15%, है ना। देखो हमें क्या क्या दिया हुआ था, पी दिया हुआ था, पी हमें फाइंड आउट करना था। डिविडेंड पर शेयर हमारा कितना है 1.6, ये हमने फाइंड आउट किया। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन है, है ना, कितना गिवन है 18%, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। अर्निंग पर शेयर भी गिवन है और के ई भी गिवन है, कितना है 15%, है ना। ये सब चीज गिवन है, सिर्फ हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें पी फाइंड आउट करना है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इस पूरे को बैठ के सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 10.67 प्लस, इस पूरे ब्रैकेट को अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 19.2। अब ये बेसिक मैथमेटिक्स है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। फाइनली और ओवरऑल इन दोनों को प्लस करके हमारा आंसर क्या मिल जाएगा 29.87। सो पी क्या है हमारा, पी क्या था हमारा, मार्केट प्राइस पर शेयर ना, मार्केट प्राइस पर शेयर कितना आएगा 29.87 रुपीस, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, है ना, 29.87 रुपीस। कैसे आया, वोल्टा मॉडल के थ्रू, ये रही इसकी फॉर्मूला। मैंने अच्छे से सॉल्व करके आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपको वोल्टा मॉडल नहीं पता है या फॉर्मूलाज नहीं पता है तो प्लीज, मैंने बिजनेस फाइनेंस की सीरीज में भी बोला था फॉर्मूलाज रट के रखिए, अगर आपको फॉर्मूलाज पता होंगी तो अगर इक्का दुक्का पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपके सामने सब फिगर्स गिवन है। देखो सब तो फिगर्स गिवन थी, है ना, आपने सिर्फ क्या किया, वैल्यू पुट अप किया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किया, आंसर आ गया। यानी पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं ना, सम्स भी आते हैं ना, अगर पेपर में प्रैक्टिकल सम्स अगर अकाउंटिंग के या बिजनेस फाइनेंस के, तो वो इतने इजी आते हैं ना। क्यों इजी आते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन दो मार्क का ही हो सकता है, राइट। तो वो लोग आपको सब बनी बनाई खिचड़ी दे देंगे, बस आपको मिक्स करना आपका काम है, यानी आपका सॉल्व करना काम है, बाकी रेडीमेड सब चीज वो लोग दे देते, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे आंसर आया, सब कुछ आई होप अभी क्लियर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 123rd क्वेश्चन, असर्शन और रीजन है। असर्शन और रीजन में क्या होता है, सिंपली पहले क्या करो, दोनों चीजें पहले देखो राइट है कि रॉन्ग है, पहले चेक क्या करना है हमें कि स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है। ट्रिम्स एंड ट्रिप्स प्रोविजन फैसिलिटेट एंड प्रमोट एफडीआई। अभी सबसे पहले पहले तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ट्रिप्स और ट्रिम्स होता क्या है, है ना। ट्रिम्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रिम्स का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ठीक है। और ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। तो सबसे पहले पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि क्या भरोसा पेपर में कभी फुल फॉर्म्स पूछ ले आपसे, है ना। तो आपको पता तो होना चाहिए कि क्या है, है ना। ट्रिम्स का फुल फॉर्म क्या है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स मेजर्स, है ना। और ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है, ट्रेड रिलेटेड
एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। इसके अलावा एक और वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, वो कौन सा है, एफडीआई। एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, ट्रिप्स, ट्रिप्स, इन दोनों के वजह से क्या होता है, एफडीआई प्रमोट होते हैं। ट्रिप्स यानी ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स होते हैं, और ट्रिप्स यानी ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये क्या है, ये आपके एग्रीमेंट्स है बेसिकली, जिसके थ्रू क्या होते हैं, ये इंटरनेशनल लेवल के एग्रीमेंट्स है जो बनाए गए हैं ताकि आप क्या कर सको, आप इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड चीजें हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पे रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोविजन सारा कुछ इसमें बताया गया है, जिसमें ट्रिप्स एंड ट्रिम्स में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे आपका एफडीआई प्रमोट होता है। हाँ भाई, ये स्टेटमेंट तो राइट है, यानी ए वाली स्टेटमेंट तो राइट है, ए वाली स्टेटमेंट राइट है, तो डी वाला ऑप्शन कट जाएगा आपका सीधे सीधे, बोथ आर इनकरेक्ट, ये तो कट गया है ना। अब देखना पड़ेगा आर वाली स्टेटमेंट राइट है कि नहीं। Trims and trips, provisions, remove restrictions and address capital flow sensitivities. Trips और trims क्या करते हैं, restrictions को घटा देते हैं, क्यों, क्योंकि international level के agreements है तो आपके ऊपर कोई restrictions नहीं है, है ना, और आप क्या कर सकते हो, capital flow easily एक country से दूसरे country में कर सकते हो, तो ये statement भी right है ना। So यानी ये C भी कट गया। अब सिर्फ मेरे को क्या चेक करना है, दोनों right है, लेकिन ये R इसका correct reason है क्या, तो सोच के देखिए, ऊपर क्या बोला था, ट्रिम्स एंड ट्रिप्स के वजह से एफडीआई प्रमोट होता है, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आती है, नीचे बोल रहा है कि ट्रिप्स एंड ट्रिम्स के वजह से क्या होता है, रेस्ट्रिक्शंस हटती है और कैपिटल फ्लो आता है। ऊपर भी तो एफडीआई की बात की थी, इन्वेस्टमेंट की बात की थी, पैसों की बात की थी, नीचे भी तो पैसों की बात कर रहे हैं, यानी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों, कि दोनों सेम ही बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे एफडीआई की बात हो रही है यानी कैपिटल फ्लो की बात हो रही है, यहाँ पे भी कैपिटल फ्लो की बात हो रही है, राइट। सो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, दोनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है, और जो ये रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, आपकी असोशियन का, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, असोशियन रीजन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, 124th question, in a monopolistic competitive market, which of the following holds true? बोलता है monopolistic competitive market में इनमें से कौन सी चीजें true हैं? अब monopolistic competitive market क्या होता है ना, ये मैंने आपको डिटेल में इसी सीरीज के पार्ट नंबर 15 में सारे के सारे जो मार्केट्स थे ना वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए थे, अगर आपको याद हो तो। ये रहा उसका स्क्रीनशॉट, ये मेरा पार्ट नंबर 15 का ही, लेक्चर नंबर 15 का ही स्क्रीनशॉट है। अगर आप देखोगे ना, मैंने सारे के सारे मार्केट्स इंक्लूडिंग मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन जो ये क्वेश्चन में पूछा है वो मैंने आपके साथ डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया है ना। सो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट है क्या फिर से, बट अगर आपको चारों मार्केट समझने हैं तो जरूर से जाके पार्ट नंबर 15 देख लीजिएगा इसी सीरीज का, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, 1000 पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 15 देख लेना अच्छे से। चारों मैंने मार्केट्स विद एग्जांपल्स विद उसका डिटेल अंडरस्टैंडिंग आपको कराया है, ठीक है। सो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटेटिव मार्केट क्या होता है पहले तो वो समझ लेते हैं। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटेटिव मार्केट कॉम्बिनेशन है किसका, मोनोपोली मार्केट का प्लस परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ये किसका एग्जाम्पल है, ये किसका कॉम्बिनेशन है, दो मार्केट्स का कॉम्बिनेशन, इसका एक तरफ आपकी मोनोपोली है, दूसरी तरफ आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन है ना। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था, हम लोग यहाँ से ही कर लेते हैं मेरे हिस्से। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन क्या है, ये ऐसा टाइप का मार्केट है जिसमें एक तरफ तो आप मोनोपोली हो, एक तरफ तो आप सिंगल सेलर, दूसरी तरफ आप क्या हो, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, दूसरी तरफ आप क्या हो, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल कोको कोला एंड थम्स अप का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको दिया था, एक तरफ तो वो मोनोपोली है, कोको कोला कंपनी कोको कोला बेच सकती है, थम्स अप कंपनी थम्स अप बेच सकती है, पेप्सी की कंपनी पेप्सी बेच सकती है, यानी उनके जैसा प्रोडक्ट और कोई मार्केट में बना सकता है क्या, नहीं बना सकता है, यानी ये उनकी मोनोपोली है। दूसरी तरफ ये क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, क्यों, क्योंकि कोको कोला का क्लोज सब्सिट्यूट क्या है, थम्स अप का क्लोज सब्सिट्यूट क्या है, पेप्सी। तो ये तीनों भी चीजें कैसी हैं, ये तीनों भी चीजें आपस में कंपटीशन करती रहती है, यानी यहाँ पे क्लोज सब्सिट्यूट अवेलेबल है, प्राइस आपको एज पर कॉम्पिटिशन सेट करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि आप अगर कोको कोला का प्राइस सपोज 5 रुपया कम हो गया तो
थम्सअप और पेप्सी वालों को भी कम करना पड़ेगा, अदरवाइज कस्टमर क्या करेगा? अगर कस्टमर कोई दुकान में थम्सअप लेने गया है और उसको सामने वाला दुकानदार बोलेगा कि मैडम आप थम्सअप नहीं लो लेकिन आप क्या ले लो, कोको कोला ले लो, क्योंकि कोको कोला 5 रुपया सस्ती हो गई है, तो सीधी सी बात है कस्टमर सोचेगा क्या फर्क पड़ता है मैं कोको कोला पीऊँ या थम्सअप पीऊँ या पेप्सी पीऊँ, तीनों का टेस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, सिमिलरली टेस्ट आते हैं, है ना। तो इसलिए फिर कस्टमर क्या करेगा, थम्सअप लेने आया था लेकिन लेके क्या जाएगा, कोको कोला लेके जाएगा बिकॉज ऑफ द प्राइस। इसलिए आपको यहाँ पे प्राइस अपने कॉम्पिटिशन के हिसाब से सेट करना पड़ता है। एंड इस मार्केट की खासियत है कि आपके गुच्छ कैसे हैं, डिफरेंशिएटेड है। कोको कोला जैसी चीज और कोई दुनिया में है क्या? नहीं। थम्सअप जैसी चीज कोई और दुनिया में है क्या? नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं आपकी मोनोपोली है कि आप ही वही चीज बनाते हो, अलग से गुच्छ बनाते हो। एंड लास्ट फीचर क्या है इस मार्केट का, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, कोई भी पर्सन इस मार्केट में नंबर ऑफ बायर सेलर आके एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, एंट्री तो नहीं है खैर, क्यों? क्योंकि आप कोको कोला अगर आपको बनानी है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, कोको कोला कंपनी से ही जाकर कोको कोला का लाइसेंस लेके ही बनाना पड़ेगा, यानी बेसिकली कोको कोला कंपनी ही बनाएगी, है ना। तो उस हिसाब से यहाँ पे फ्री एंट्री और एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, सो अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटेटिव मार्केट। अब आपको समझ में आ गया है तो सोच के बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्म्स आर स्मॉल रिलेटिव टू द टोटल मार्केट, सीधी बात है फर्म बहुत छोटा है, पूरा मार्केट बहुत बड़ा है ना, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, आप उसमें से एक कंपनी, तो ये तो राइट है। नो फर्म हैज एनी मार्केट पावर, ये बात तो गलत है, सीधी सी बात है, आपके पास मार्केट पावर तो है ना, हर फर्म के पास कुछ ना कुछ मार्केट पावर है ना, कैसे आप अपना प्राइस बढ़ा सकते हो कम कर सकते हो, तो आपके पास मार्केट पावर है ना कहीं ना कहीं। ठीक है, देयर इज इजी एंट्री एंड एग्जिट इन द मार्केट, ये भी हमने फीचर्स में पढ़ा था, है ना। फ्यू फर्म्स हैव मार्केट पावर, ये बात भी गलत है। देयर इज नो इजी एंट्री एग्जिट इन द मार्केट, ये बात भी गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड का ऑप्शन नंबर डी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ट्रस्ट मी, मार्केट से ना एक या दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता है। अब कोई कॉमर्स का पेपर उठा के देख लीजिए, मार्केट से एक से दो क्वेश्चन हर बार आते हैं। इसलिए ट्रस्ट मी, आप इस लेक्चर को जाके देख लीजिए, पार्ट नंबर 15 को जाके देख लीजिए। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर एक सीरीज का हर एक लेक्चर देखिए डेली का डेली, ताकि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो आज आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं लगा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 125th क्वेश्चन, What is the correct sequence of distribution of amount realized under section 154 of the CGST rules? अभी CGST के rules के हिसाब से इनको sequence में लगाओ, ठीक है? Appropriate against the administrative cost of the recovery process, appropriate against any other amount due from the defaulter under the IGST Act, appropriate against the amount due to recovered from defaulter, balance amount if any shall be refunded to defaulter। अब ऐसे क्वेश्चन ना आप तुक्के पे कर सकते हो या ऐसा भी सोच सकते हो कि ठीक है बैलेंस अमाउंट तो लास्ट में ही आएगा हमेशा, यानी फोर तो लास्ट में ही है ना, तो ये कट गया। फिर अप्रोप्रिएट अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रिकवर होगी जब भी होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही होगा, पहले फर्स्ट ये होगा लास्ट ये होगा, ऐसे करके भी आप सेट कर सकते हो। तो उसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले पहले क्या आएगा, सबसे पहले पहले आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को रिकवर करोगे, और सबसे लास्ट क्या आएगा, आप कुछ बैलेंस अमाउंट है तो उसको रिफंड कर दोगे डिफॉल्टर को। तो ऐसे करके ना जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें हमेशा ट्राई कर लिया करो फर्स्ट और लास्ट को फिक्स कर लिया करो पहले, एंड उससे ही आपके सारे आंसर बन जाएंगे। पहले पहले आपको क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को रिकवर करना है, फिर आपको क्या करना है, कुछ भी अमाउंट अगर रिकवर करना है डिफॉल्टर से तो वो, फिर कोई और अगर अमाउंट ड्यू है डिफॉल्टर से तो वो, और फिर लास्ट में अगर कुछ बैलेंस बचता है तो वो रिफंड कर देना है डिफॉल्टर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ये ट्रिक यूज कर लीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट वाली, तो बाकी बीच के आपको सीक्वेंस वाले मिल जाते हैं। ठीक है, सो थैंक यू, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।